वेलकम बैक टू मोटर कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं टाटा टिगोर के बेस वेरिएंट XE और सेकंड बेस वेरिएंट XM के बीच में, जहां पर आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में करीब 11 फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। प्राइस डिफरेंस की अगर हम बात करें तो XE और XM के बीच में आपको करीब 60,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट पर डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है। तो डिटेल कंपैरिजन को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मोटर कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप टिगोर के अदर कंपैरिजन वीडियो या फिर वॉकअराउंड रिव्यूज देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट कर भी डायरेक्टली देख सकते हैं। बात करते हैं दोनों के फीचर डिफरेंसेस की, तो सबसे पहला और मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलता है म्यूजिक सिस्टम का, जहां पर आपको टिगोर के XM वेरिएंट के अंदर नेक्स्ट जनरेशन टाइप हार्मन का मैनुअल म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जो कि ऑक्स USB और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको मिल जाता है, जबकि टिगोर के XE वेरिएंट के अंदर आपको कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया। दूसरा डिफरेंस है स्पीकर का, तो टिगोर के XM वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पीकर्स दिए जाते हैं जो कि डोर्स पर फिट होते हैं, जबकि टिगोर के XE वेरिएंट के अंदर आपको कोई स्पीकर नहीं मिलता है। तीसरा डिफरेंस है पावर विंडोज का, तो टिगोर के XM वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर यानी के चारों पावर विंडोज दी जाती हैं, जबकि टिगोर के XE वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट 2 पावर विंडोज ही दी गई हैं। चौथा डिफरेंस है सेंटर लॉकिंग का, तो टिगोर के XM वेरिएंट के अंदर आपको मैनुअल लॉक सिस्टम दिया जाता है, जो कि टिगोर के XE वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता। पांचवा डिफरेंस है व्हील कवर का, तो टिगोर के XM वेरिएंट के अंदर आपको सिल्वर कलर के फुल व्हील कवर्स दिए जाते हैं, जो कि टिगोर के XE वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलते। छठा डिफरेंस है इनसाइड रियर व्यू मिरर का, तो टिगोर के XM वेरिएंट के अंदर आपको इनसाइड रियर व्यू मिरर डे नाइट टाइप का मिलता है, जिसको आप मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हैं, जबकि टिगोर के XE वेरिएंट के अंदर आपको इनसाइड रियर व्यू मिरर नॉर्मल टाइप का ही दिया गया है। सातवां डिफरेंस है ऑटो डोर लॉक का, टिगोर के XM वेरिएंट के अंदर आपको स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक का फंक्शन भी दिया जाता है, जो कि टिगोर के XE वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता। आठवां डिफरेंस है कैबिन लैंप का, तो टिगोर के XM वेरिएंट के अंदर आपको कैबिन लैंप थिएटर डिमिंग फंक्शन के साथ दिया जाता है, जबकि टिगोर के XE वेरिएंट के अंदर आपको कैबिन लैंप नॉर्मल टाइप का ही मिलता है। नवा डिफरेंस है AC वेंट्स का, तो टिगोर के XM वेरिएंट के अंदर आपको AC वेंट्स के ऊपर क्रोम का फिनिश दिया जाता है, जो कि XE वेरिएंट के अंदर आपको ब्लैक फिनिश में ही मिलता है। दसवां डिफरेंस है एंटीना का, तो टिगोर के XM वेरिएंट के अंदर आपको रेडियो एंटीना दिया जाता है, जो कि XE वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता। और ग्यारहवां डिफरेंस है ट्रांसमिशन के ऑप्शन का, तो टिगोर के XM वेरिएंट के अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को भी परचेस करने का ऑप्शन आपको मिलता है, जबकि टिगोर के XE वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट डिफरेंसेस इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। अब बात करते हैं दोनों ही वेरिएंट्स के प्राइसेस की, तो टिगोर के XE वेरिएंट का एक्सशोरूम कॉस्ट आपको 5,49,500 रुपये का मिलता है, जो कि ऑन रोड कॉस्ट डेली आपको करीब 6,03,000 रुपये तक जाता है, जबकि टिगोर के XM वेरिएंट का एक्सशोरूम कॉस्ट आपको 6,09,500 रुपये का मिलता है, जो कि ऑन रोड कॉस्ट डेली आपको करीब 6,86,000 रुपये तक जाता है। प्राइजेस के बीच डिफरेंस की बात करें तो एक शोरूम कॉस्ट पर आपको करीब 60,000 रुपये और ऑन रोड कॉस्ट पर आपको करीब 83,000 रुपये का डिफरेंस देखने को भी मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द लौटेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।